भाई पूरी दुनिया ने खेला जो खेल, अब वो खेल खेलेगा इंडिया। विश्व भर में धूम मचाने के बाद अब इंडिया में मंत्र फूक के मंत्रा लेकर आया है फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। और यहां हम मिलेंगे कुछ दोस्तों को, कुछ यारों को, कुछ अपनों को, कुछ प्यारों को, अलग अलग रिश्ते और नाते लिए सब यहां आएंगे अपना फॉर्च्यून बनाने, सवालों का जवाब देकर पॉइंट्स कमाएंगे और पॉइंट्स बटेरू कहलाएंगे। सो लेट्स कॉल आज के पॉइंट्स बटेरूज। हियर कम्स द फर्स्ट टीम, द डांसिंग फ्रेंड्स शेट्टी। कैप्टन प्रतीक, आपके साथ कौन कौन है? सर मेरे साथ है मेरा छोटा भाई अभिषेक। हेलो अभिषेक। एंड हमारी फ्रेंड धनश्री। धनश्री, यस। एंड हमारा सबसे छोटा मेंबर कार्तिक। तो प्रतीक, अभिषेक, धनश्री और कार्तिक, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। चलिए अब देखते हैं इन डांसिंग शेट्टीज को टक्कर देने के लिए कौन आ रहा है। लेट्स हियर फ्रॉम देम, सैंडी एंड फ्रेंड। सासेकाल जी, की हालचाल? और जी तुम्हारा नाम क्या है? सैंडी। तो सैंडी, सैंडी और ये जी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं सब? हां जी, हां जी, सब फ्रेंड्स मेरे। ये मेरे छोटे प्राणी, अविनाश चौधरी, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड अवनीत सिंह संधु, और मेरे बड़े वीर जी जगदीप सिंह। जगदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जो बोले सोनियाल, क्या बात है, इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती। जोरदार तालियां आपके लिए। अब ये पॉइंट्स बटेरू तो आ गए, अब मैं इनसे पूछूंगा एक सवाल। एक सवाल जो हमने 100 लोगों से पूछा और उन 100 लोगों से हमें जो भी आंसर्स मिले उनमें से टॉप आंसर्स चुनकर हमने डाल दिए हैं अब बबली की प्लेलिस्ट में। अब बबली, बबली को नहीं जानते आप? कौन है जी बबली? मेरी सखी है, बड़ी चुलबुली है, बुलबुलों से भरी है और मेरे पीछे खड़ी है। बबली के लिए तालियां। और आप इन दोनों टीम से वो सर्वे वाले सवाल ही पूछे जाएंगे और इनमें से जिनके जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच होते जाएंगे वो पॉइंट्स बटोरते जाएंगे। लेकिन जिसका जवाब बबली की प्लेलिस्ट में नहीं हुआ उसे बबली की गुस्से वाली ये आवाज सुनाई देगी। इस आवाज से बच के रहना। ये आवाज सुनाई दी, इसका मतलब आपका हो गया पंचर। तो गेम शुरू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दोनों टीम्स के कैप्टन्स को। तो चलिए दोनों कैप्टन्स आ जाइए और लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून्स। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं उसके मैं ढूंढ रहा हूं 8 जवाब। ये आपके सामने बजर्स हैं। मेरे सवाल पूछते ही जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे पहले आंसर देने का मौका मिलेगा और अगर उसका जवाब बबली की प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर हुआ तो वो गेम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर उसका जवाब टॉप पर नहीं हुआ तो सवाल जाएगा दूसरे बटेरू के पास, फिर दोनों में से जिसका जवाब टॉप पर हुआ गेम उसके पास। फैमिली फॉर्च्यून्स का पहला सवाल, हमने 100 लोगों से पूछा कि लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अक्सर प्यार से क्या बुलाते हैं। प्रतीक, जानू। जानू बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं, आइए देख। टॉप आंसर प्रतीक, वेरी वेरी वेल डन। सैंडी, आपको मौका ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने टॉप जवाब दे दिया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। लेट्स गो, लेट्स गो। अभिषेक, आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस नाम से बुलाते हैं, बोल दीजिए। बाबू। बाबू, ऑलराइट। अभिषेक, देखते हैं बाबू बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं। बहुत खूब। तो हमें से 11 लोगों ने कहा है कि वो अपने जाने मन को या अपने माशूक को बाबू कहते हैं। आपका नाम बड़ा कमाल है, धनश्री। वैसे मुझे लोग धन्नू बोलते हैं। धन्नू। शॉट। तो धन्नू, 5 सेकंड का समय है आपके पास। हमने 100 लोगों से पूछा कि लोग अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अक्सर प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। बेबी। ऑलराइट, देखते हैं बेबी इस वक्त बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं।
वेरी नाइस द थर्ड टॉप आंसर कार्तिक डार्लिंग डार्लिंग हाँ ये देखते हैं कि डार्लिंग बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं बहुत खूब प्रतीक बताइए लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अक्सर प्यार से किस नाम से बुलाते हैं स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं स्वीट टू भाई आज इंटरनेट का जमाना है है आज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे 140 कैरेक्टर में काम खत्म करना पड़ता है तो स्वीट हार्ट लिखने में प्रॉब्लम होता है ना स्वीट टू बहुत बढ़िया अभिषेक 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं बुबू बुबू बुकिंग फॉर बुबू बबली की प्लेलिस्ट में अभिषेक पहला पंचर धनु शोना लेट्स फाइंड आउट बबली की प्लेलिस्ट पे बहुत खूब कार्तिक कुकू 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 लुकिंग फॉर कुकू ऑन बबली की प्लेलिस्ट सैंडी ध्यान से सुनिएगा अगर एक और पंक्चर हुआ तो आपके पास होगा मौका एक जवाब देना है आपको और इनके सारे पॉइंट्स यानी ये सारे 73 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे ऑलराइट आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं सोचिए कोई एक जवाब चाहिए मुझे आपसे प्रतीक बताइए भाई क्यूटी क्यूटी यस कम से कम डिक्शनरी में तो मिल सकता है ये वर्ड क्यूटी बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं बच गए अभिषेक जानेमन जानेमन लुकिंग फॉर जानेमन बबली की प्लेलिस्ट पर ओए होए क्या बात है भंगड़ा वालों जी भाई देखिए सारी की सारी मेहनत जो है बह गई पानी में लेकिन अभी नहीं शेट्टीज क्योंकि अगर सैंडी की टीम ने भी वही किया जो आपने किया यानी पंचर पाया तो ये सारे पॉइंट्स आपके ही होंगे ऑलराइट सैंडी जी मैं सबसे पूछ लेना एक बार लेकिन फाइनल जवाब आप ही को देना है जगदीप जी चांद अवनीत बेटा अविनाश चीकू बहुत बढ़िया सैंडी या तो इन सारे जवाबों में से कोई एक जवाब या आपका अपना पर्सनल सा कोई चॉइस बच्चा बच्चा जी बच्चा बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं कम ऑन बहुत बढ़िया जोरदार तालियां आपके लिए सिंगल मनी के पहले सवाल से सैंडी और उनकी फैमिली ने 75 पॉइंट्स कमा लिए हैं और अब दूसरे सवाल के लिए अब हम यहां पर बुलाना चाहेंगे अविनाश और अभिषेक को लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून्स अगले सवाल के लिए हम ढूंढ रहे हैं टॉप 7 जवाब हमने 100 लोगों से पूछा दिल्ली शहर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है अभिषेक चाट देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट में चाट है या नहीं हाय 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 क्या बात है दिल्ली के खाने की तो बात ही कुछ और है फूड आपने चाट बोला वो फूड की कैटेगरी में ही आता खैर अभिषेक आपने अभी तक टॉप जवाब नहीं दिया यानी अविनाश अगर आप हमें टॉप जवाब दे दें तो आपके कंट्रोल में होगा गेम तो बताइए छोले भटूरे भाई अविनाश छोले भटूरे भी तो फूड में ही आता है ना भाई शेट्टीज के कंट्रोल में है गेम लेट्स टेक अ प्लेसेस आइए ऑलराइट लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू धनु क्राइम देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट में क्राइम है या नहीं धनश्री आपका जवाब ना केवल टॉप जवाब है बल्कि इस जवाब से खुश होकर हम दे रहे हैं आपको एक स्पॉट प्राइज 11,000 का गिफ्ट हैम्पर कार्तिक चलिए अब आपकी बारी शॉपिंग बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं शॉपिंग ऑलराइट प्रतीक आपके पास है मौका यू द कैप्टन स्टे ऑफ द शिप रेड फोर्ट बबली की प्लेलिस्ट में वी आर लुकिंग फॉर रेड फोर्ट बहुत खूब बिल्कुल सही हेरिटेज खैर आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी
लेकिन बहुत सारे जवाब देना भी बाकी। अभिषेक, वहां के मार्केट्स, मार्केट्स लुकिंग फॉर मार्केट्स बबली की प्लेलिस्ट में। ऑलराइट सैंडी, आपस में डिस्कस कर लो। धनश्री, क्लाइमेट, वहां की क्लाइमेट, दिल्ली का मौसम बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं? एक बार फिर से, ये गेंद आकर गिरी है सैंडी के कोर्ट में और सैंडी से लपकने के मूड में है। मैं एक बार फिर से आपके सारे दोस्तों से यही पूछूंगा, जग्गी पाजी, दिल्ली शहर के बारे में सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? ताजमहल, ताजमहल, आगरा एंड नजदीक नजदीक तो सीधे आ पाई, आते आ पाई है। और जपीपा, जपीपा में और दिए, और दिए, आ पाजी, आते आ पाई। तुसी कह रहे हैं दिल्ली का नाम सुनते ही तनु ताजमहल दी याद आती है ना? थोड़ा सा नजदीक है, हाँ थोड़ा सा नजदीक है ना, कोई गल नहीं तुम्हें। चलो भाई चलो, जग्गी पाजी ले आप। खैर, जग्गी ने कहा ताजमहल। अवनीत, पॉपुलेशन, अविनाश, कमल टेंपल, सैंडी, चांदनी चौक। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट में चांदनी चौक है या नहीं। वेरी वेल डन, कम से कम आपने जितना कुछ कमाया था वो आप ही को मिलता है, 42 पॉइंट्स आपके खाते में, जोरदार तालियां। पर क्या हम सब जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ये बाकी के खांचों में क्या जवाब छिपे हैं? देखते हैं। बबली, सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सेवेंथ मोस्ट पॉपुलर जवाब बताइए। दिल्ली भाई पॉलिटिक्स का गढ़ है और बबली की प्लेलिस्ट में टॉप सिक्स जवाब, जय बात तो है, दिल वालों की दिल्ली, बड़े दिल वालों की दिल्ली, पांचवें नंबर पे। मेट्रो आखिरी जवाब, यानी कि एक जवाब जो रह गया है, थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब, व्हाट वाज द आंसर? मतलब बताने की जरूरत है क्या? अरे तू जानता नहीं है, तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ओ भाई साहब, तुझे खुद नहीं पता तेरा बाप कौन है। भाई आगे बढ़ने से पहले एक नजर स्कोर्स पर डाल लेते हैं। अब तक सैंडी की टीम ने कमाए हैं 75 पॉइंट्स और शेट्टीज आप पहुंचे हैं 42 पॉइंट्स पर। भाई यहां तक का हाल तो देख लिया, लेकिन आगे हाल चाल डाल सब बदल सकता है, क्योंकि आगे आएगी डबल मनी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वी विल बी राइट बैक ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून। बरसेगी डबल मनी, डबल मनी यानी गेम वही रहेगा पर पॉइंट्स हो जाएंगे डबल। और डबल मनी खेलने के लिए अब मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा अवनीत और धनश्री को। लेट्स प्ले डबल मनी। अब अगले सवाल के लिए हम ढूंढ रहे हैं टॉप पांच जवाब। हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के लिए आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं? मूवीज। देखते हैं मूवीज बबली की प्लेलिस्ट पे कहाँ है। अवनीत किसी इंतजार करो भाई, आइए धनश्री, चार जवाब और। कार्तिक, ट्रेन। देखते हैं ट्रेन बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। वेरी वेल डन। प्रतीक, बस। देखते हैं बस लिस्ट में है या नहीं। भाई एक के बाद एक टॉप तीन जवाब, मतलब कि टू गुड हो गया यार। अभिषेक बताइए, अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स बबली की प्लेलिस्ट पर। सारे पंचर्स बाकी, एक ही जवाब बाकी, मतलब क्या हो रहा है? धनश्री आपसे शुरुआत हुई थी, खत्म कर दो यार। फ्लाइट, फ्लाइट। आइए देखते हैं ये बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं।
डबल मनी, कांग्रेचुलेशंस। भाई डबल मनी के पहले सवाल के बाद स्कोर्स कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं। सैंडीज ने अब तक टोटल पहुंचाया है 75 पॉइंट्स पर और शक्तिज बटोर चुके हैं 226 पॉइंट्स। वेल डन। लेकिन अभी भी बाजी पलट सकती है क्योंकि डबल मनी का दूसरा सवाल बाकी है और दूसरे सवाल के लिए अब मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मेरे सबसे करीबी दोस्त जिन्होंने दिल्ली में ताजमहल खुलवाया, जगदीप एंड कार्तिक। लेट्स प्ले डबल मनी। बहुत जी, हम अगले सवाल के लिए ढूंढ रहे हैं टॉप 5 जवाब और ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा इंसान अपनी कौन सी चीज घटा के बताता है। उम्र। मैं पता नहीं क्या क्या उम्मीद कर रहा था तेरे से। खैर बबली की प्लेलिस्ट पे ये है या नहीं आइए देखते हैं। ये म्यूजिक का अर्थ ये है कि एक तो आपने सही जवाब दिया और दूसरी बात ये कि आप जीतते हैं अपने लिए एक स्पॉट प्राइस राइट नाउ, 11,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। खेल अभी बाकी मेरे दोस्त, क्योंकि आपने सेकंड मोस्ट पॉपुलर जवाब दिया है। अगर कार्तिक सबसे पहला यानी टॉप जवाब दे दे तो कंट्रोल इनके हाथ में हो जाएगा। कार्तिक व्हाट्स योर आंसर? सैलरी। देखते हैं ये बबली की प्लेलिस्ट पे है नहीं। भाई कार्तिक अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे नहीं है, आप जा सकते हैं। जगी बाजी आप चलो, मैं पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो चलो चलो। तो सैंडी जी, हमने 100 लोगों से पूछा कि इंसान अपनी कौन सी चीज घटा के बताता है। नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स। देखते हैं भाई नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स। ओहो, अगली बारी अविनाश की है। बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, लुकिंग फॉर बैंक बैलेंस। नंबर वन आंसर बैंक बैलेंस यानी कि संपत्ति, संपत्ति यानी कि वेल्थ। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अवनीत की तरफ। वेट। वेट, अपना वजन। भाई देखते हैं ये वेट या वजन बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहां पर नीचे जो टोटल पॉइंट्स है वो दुगने होते जा रहे हैं। अगर आपने एक कमाया तो हम आपको दो दे रहे हैं। जगदीप 5 सेकंड का समय है। हमने 100 लोगों से पूछा इंसान अपनी कौन सी चीज घटा के बताते हैं। टाइम अप। कम ऑन सैंडी। सैंडी जी टाइम अप। ये क्या हो रहा है भाई, एक जवाब, केवल एक जवाब दोनों ही गाड़ियों को हिला रहा है। एक और पंक्चर हुआ तो आपको मौका मिलेगा एक जवाब देके सारे पॉइंट्स हड़प लेने का। इट्स डबल मनी, सब कुछ लूट जाएगा। आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अविनाश ज्वेलरीज। देखते हैं ये जवाब बबली के प्लेलिस्ट में है या नहीं। चांस है शट्टीज, कम ऑन शट्टीज, गिव मी अ गुड आंसर। कार्तिक आपका जवाब क्या होता? जेब में पैसे। अनुश्री मेबी योर नंबर ऑफ सिगरेट। ओके अभिषेक साइज। साइज किस चीज का साइज? कमर का साइज। चलिए ठीक है प्रतीक आप क्या कहते हैं? आई विल गो विद धनश्री नंबर ऑफ सिगरेट्स। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं, लेट्स टेक अ लुक। इस डबल मनी के राउंड के बाद शेट्टीज का स्कोर है 226 पॉइंट्स एंड फैमिली फॉर्च्यून्स के पहले ही एपिसोड में इतनी कांटे की टक्कर होगी कोई सोच ना सकता था, क्योंकि बिग मनी की तरफ बढ़ रहे हैं सैंडी विद 227 पॉइंट्स।
प्रतीक, अभिषेक, धनश्री, कार्तिक, वेरी वेल प्लेड। 226 पॉइंट जो आपने कमाए हैं ये ऐसे वेस्ट नहीं होंगे, यानी कि आप जीतते हैं 11,300 के प्राइजेस। एंड ऑफ कोर्स धनश्री, एज यू नो आपको एक स्पॉट प्राइज मिला था, तो आपको मिला है 11,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर भी। सो कांग्रेचुलेशन, वेल प्लेड छट्टेज। ओ भाई, इस तरफ हमारी आज की बेहतरीन टीम जो आगे खेलने वाली, कांग्रेचुलेशंस एंडी एंड फ्रेंड्स। अब तक आप 11,350 जीत चुके हैं, लेकिन अब अपने दिमाग के नेटवर्क को 5G की स्पीड पर डाल लो, क्योंकि अब आपको खेलना है बिग मनी। पर बिग मनी आप में से कोई दो ही लोग खेल सकते हैं। कौन खेलेगा बिग मनी? मैं और अविनाश। सैंडी और अविनाश, आइए मंच के बीचों बीच, आइए आइए भाई। सबका सपना मनी मनी, और ये तो कमाने वाले हैं बिग मनी। और बिग मनी जब आती है तो अपने साथ जैकपॉट भी लाती है, 20,000 का जैकपॉट। जैकपॉट के लिए कैसे खेलेंगे ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए, ये है फैमिली फॉर्च्यून्स। फैमिली फॉर्च्यून्स। अब तक पूछा जा रहा था एक सवाल, अब पूछे जाएंगे 5 सवाल। मैं आप दोनों से एक एक करके 5 सवाल पूछूंगा। अगर आप दोनों ने मिलकर 200 पॉइंट्स कमा लिए तो आपको मिलेगा 20,000 का जैकपॉट। तो बताइए भाई, पहले कौन खेलेगा और पहले कौन बाहर जाएगा? मैं बाहर जाऊंगी। चलिए ठीक है, आपका इंतजार बाहर हो रहा है घोड़े नगाड़ों के साथ। थैंक यू। जाइए जाइए जाइए, जोरदार तालियां सैंडी के लिए। तो आओ साथ में मिलकर खेलते हैं बिग मनी। अविनाश, आपके पास 25 सेकंड का समय होगा। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप पास कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब देने के बाद समय बचता है तो मैं आपसे वो पास किया हुआ सवाल फिर से पूछ लूंगा। ठीक है? ठीक है। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने के बाद, और ये रहे आपके सवाल। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको फ्री में खाना मिलता है? गुरुद्वारा। खराब रिव्यूज आने पर भी लोग कौन से एक्टर की फिल्म देखते हैं? शाहरुख खान। लोग ज्यादातर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे किसका फोटो रखते हैं? लड़कियों का। ऐसा कौन सा खेल है जो गेंद के बिना खेला जा सकता है? प्यार। एक ऐसे फल का नाम बताइए जो आपके मुंह में पूरा फिट होता है? बनाना। बहुत खूब अविनाश, कितने पॉइंट्स कमाए आपने आइए देखते हैं। हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आपको फ्री में खाना मिलता है, आपने कहा गुरुद्वारा। आइए देखते हैं कि कितने लोग आपके जवाब से सहमत हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खराब रिव्यूज आने पर भी लोग कौन से एक्टर की फिल्म देखते हैं? आपने कहा शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान, आपके जवाब से कितने लोग सहमत हैं भाई? लोग ज्यादातर अपने मोबाइल के वॉलपेपर्स पर किसका फोटो रखते हैं? गर्ल्स, लड़कियों के। अविनाश ने बिल्कुल ज्यादा सोचा समझा नहीं, सीधे बोल दिया जो उसके दिल में आया। कितने लोग आपके जवाब से सहमत हैं? आइए देखते हैं। ऐसा कौन सा खेल है जो गेंद के बिना खेला जा सकता है, और आपने कहा प्यार। प्यार, यह जवाब कितने लोगों ने दिया आइए देखते हैं। और आखिरी ऐतिहासिक सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ऐसे फल का नाम बताइए जो आपके मुंह में पूरा फिट होता हो। बनाना। और आपने कहा केला, बनाना। कितने लोग इनके जवाब से सहमत हैं आइए देखते हैं। क्या बात है मेरे इसके जैसे 3 और है भाई।
200 में से केवल 80 पॉइंट्स कमाए हैं आपने अविनाश, कोई बात नहीं, 120 पॉइंट्स कमाने के लिए अब हम सैंडी को बुलाएंगे। सैंडी, वेलकम बैक। थैंक यू। अविनाश ने 80 पॉइंट्स कमा लिए हैं, आपको 120 पॉइंट्स कमाने हैं। आर यू रेडी? सो आइए, लेट्स प्ले बिग मनी। सैंडी, आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा। 5 सेकंड ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो अविनाश पहले दे चुका है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब है आपको दूसरा जवाब देना है। अगर कोई भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है या आपको लगता है आप नहीं दे सकते तो आप पास कर दीजिएगा, बाद में अगर समय बचेगा मैं दोबारा आपसे वही सवाल पूछूंगा। 120 पॉइंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स प्ले बिग मनी। ये रहे आपके सवाल। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको फ्री में खाना मिलता है? शादी। खराब रिव्यूज आने पर भी लोग कौन सा एक्टर की फिल्म देखते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान। लोग ज्यादातर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर किसका फोटो रखते हैं? बच्चे का। ऐसा कौन सा खेल है जो गेंद के बिना खेला जा सकता है? छुपा छुपाई। एक ऐसे फल का नाम बताइए जो आपके मुंह में पूरा फिट हो जाता है। अंगूर। वेल डन सैंडी, वेल डन, बहुत खूब बहुत खूब। क्या ये जवाब आपको 120 पॉइंट्स दिला सकते हैं, बंपर इनाम दिला सकते हैं? आइए मालूम करते हैं। कम फॉलो मी। तो भाई ये वो जवाब हैं सैंडी जो अविनाश ने दिए, ठीक, और उन्होंने 80 पॉइंट्स कमाए। अब देखते हैं आपके जवाब आपको कितने पॉइंट्स दिला सकते हैं। हमने कहा था ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको फ्री में खाना मिलता है, आपने क्या कहा था? शादी। देखते हैं कि शादी यानी इस जवाब से कितने लोग सहमत हैं। जो टॉप आंसर था वो अविनाश ने दिया, यानी कि गुरुद्वारा, टेंपल या रिलीजियस प्लेसेस। सो वेल सर, बहुत खूब अविनाश। दूसरा सवाल, खराब रिव्यूज आने पर भी लोग कौन से एक्टर की फिल्म देखते हैं? आपने पहले कहा शाहरुख खान, वो अविनाश ने भी कहा था, फिर आपने बदल के कह दिया सलमान खान। बात तो सही है, कितने लोग इस बात से सहमत है? लेट्स फाइंड आउट। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये टॉप आंसर है। तीसरा सवाल, लोग ज्यादातर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर किसका फोटो रखते हैं? आपने कहा बच्चे का फोटो रखते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है? लेट्स फाइंड आउट। टॉप आंसर है सेल्फी। बिल्कुल सही, सेल्फी। आखिरी दो जवाब, 60 पॉइंट्स की चाहत, देखते हैं हो पाएगा या नहीं। हमने पूछा था ऐसा कौन सा खेल है जो गेंद के बिना भी खेला जा सकता है और आपने कहा था हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। भाई कितने लोग सहमत है सैंडी से? खैर, टॉप आंसर इस लिस्ट में है बैडमिंटन। एक ऐसे फल का नाम बताइए जो आपके मुंह में पूरा फिट हो जाए और आपने कहा अंगूर। देखते हैं कितने लोग आपसे सहमत हैं। नो जैकपॉट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन। फैमिली फॉर्च्यून्स के पहले एपिसोड में बहुत करीब आकर दूर रह गए सैंडी और उनके फ्रेंड्स। कम मारिया गाइस, कम कम कम। लेकिन भाई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, A1 जवाब दिए हैं इस टीम ने, 397 पॉइंट्स कमाए हैं, यानी कि 28,350 के प्राइजेस प्लस 11,000 का गिफ्ट हैम्पर, यानी टोटल वैल्यू जो कि आपने आज जीती है वो है 39,350 की। और अब मोहमाया छोड़ो, निंदिया से नाता जोड़ो और कर लो अपना अलार्म सेट, और कल इसी वक्त मुझसे नाता जोड़िएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग फैमिली फॉर्च्यून।